करके यहाँ पे केमिकल का काम है। ये हमारे मित्र है कमलेश नाम का, इनके प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, आते ही सरकार ने कई कदम उठाए हैं किसानों को लेकर, आगे क्या योजना रहेगी और आपके और क्षेत्र के विकास के लिए क्या क्या कदम उठाए जाएंगे, क्या है अभी योजना? जो वादे घोषणा पत्र के मार्फत से किए थे वो तमाम वादे आने वाले 5 साल के अंदर पूरे किए जाएंगे। राजस्थान प्रदेश की सरकार राजस्थान के लिए राजस्थानियों के लिए रहेगी। पूर्ववर्ती सरकार जैसे किसी एक व्यक्ति और एक वर्ग विशेष के लिए नहीं रहेगी, सबके लिए रहेगी। मुख्यमंत्री के बाद सर मंत्रिमंडल का जल्दी गठन होने वाला है, क्या क्षेत्र की जनता की उम्मीद भी लगा के बैठे हैं? बाड़मेर जिले से मंत्री निकल के आएंगे, आपका क्या कहना है इसके बारे में? मैं मेरे बारे में ये कह सकता हूँ कि मैं कार्यकर्ता था, हूँ और रहूँगा, और कार्यकर्ता के तौर के ऊपर जो मेरे को दायित्व मिल रहा है मैं 100% उससे संतुष्ट हूँ। एक साहब, किसानों की आपने सबसे बड़ी मांग पूरी कर ली, ब्याज मुक्त कर दी, अब क्षेत्र में अकाल भी पड़ा हुआ है पशुपालकों के हिसाब से। अब सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग को लेके अकाल की स्थिति को लेके डिपो चारा सस्ता, क्या आप मांग रखेंगे? किसानों के लिए कर्ज माफी का जो वादा किया था उसको निभाया जा रहा है। बाड़मेर समेत राजस्थान में कई जिलों के अंदर भयंकर अकाल पड़ा हुआ है और विधायक न बनने के बाद सबसे पहली मेरी यही मांग थी प्रशासन से, और यही मांग सरकार के बनने के बाद सरकार से भी है। बड़ी प्राथमिकता से इस के संदर्भ में फैसले होंगे, ये मुझे पूर्ण आशा और विश्वास है। साल 2019 आ रहा है 10-15 दिन बाद में, नए साल में आप जिले के लिए क्या तोहफे की उम्मीद रखते हैं सरकार से? जिले के लिए चाहे रिफाइनरी हो, जिले के लिए चाहे पानी बिजली चिकित्सा के संदर्भ के अंदर जो कोई भी कार्य बन पाएगा वो करेंगे। मेडिकल कॉलेज जो 5 सालों से ऐसे ही पड़ी है, छोटी से छोटे उदाहरण के तौर पर मॉडर्न स्कूल कांग्रेस सरकार ने पिछले बार स्वीकृत कराई हुई मॉडर्न स्कूल बायतू के ऊपर आज तक उस बारे में कोई फैसला भी नहीं लिया गया। 5 साल तक बायतू के नौजवानों के लिए विद्यार्थियों के लिए वो नष्ट हो गई। मेडिकल कॉलेज बाड़मेर मुख्यालय के ऊपर 5 साल के अंदर वो बनकर आज तक शुरू हो जाने चाहिए, वो मेडिकल कॉलेज नहीं बनी। रिफाइनरी जैसा महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट वसुंधरा राजे सिंधिया ने पूंजीपतियों की मदद करने के मंशा रखते हुए डिले कर दिया। पेयजल योजना अटकी हुई पड़ी है, कई ऐसी समस्या है, उन तमाम समस्याओं को प्राथमिकता से हल किया जाए।